नमस्कार दोस्तों, तेजपाल सिंह कपूरथला। दोस्तों आज की वीडियो बहुत विशेष तरह की जानकारी है इस वीडियो में, इसलिए निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। जिन लोगों ने मेरे इस चैनल लाइफ विदाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब किया हुआ है, जो लगातार वीडियो देख रहे हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग आज पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि चैनल का नाम ही बताता है लाइफ विदाउट मेडिसिन, तो इस चैनल पे हम ये चर्चा करते हैं कि किस तरह से बिना दवाओं के हम एक अच्छा, स्वस्थ और लंबा जीवन जी सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन पांच कारणों के बारे में, जो पांच कारण हैं जिससे हम बीमार होते हैं, या वो पांच कारण जिनकी वजह से हमारा शरीर खुद का इलाज नहीं कर पाता है। तो आप आसानी से समझने के लिए आप ऐसा समझ लीजिए कि कुदरत ने हमारे अंदर एक डॉक्टर बिठाया है। वो डॉक्टर बहुत इंटेलिजेंट है, वो डॉक्टर हर बीमारी का इलाज कर लेता है, लेकिन उस डॉक्टर को इलाज करने के लिए कुछ टूल चाहिए होते हैं। वो टूल कहाँ से लेता है? वो टूल हमारे ब्लड में मौजूद इंग्रेडिएंट होते हैं, उन्हीं इंग्रेडिएंट्स को ब्लड में से लेके वो डॉक्टर दवा बनाता है और बीमारी को ठीक कर लेता है। तो कौन से पांच कारण होते हैं? पहला कारण ये होता है कि वो जो इंग्रेडिएंट उस डॉक्टर को चाहिए दवा बनाने के लिए, उनमें से किसी एक या एक से ज्यादा की क्वालिटी अच्छी नहीं है। जैसे अगर आपको किचन में कोई खाना बनाना है, उसमें मान लीजिए 10 मसाले पड़ रहे हैं, अगर एक मसाला बदबू मार रहा है, घटिया क्वालिटी का है, तो खाना अच्छा नहीं बन सकता। दूसरा कारण है, सेकेंड कारण होता है कि उनमें से जो इंग्रेडिएंट उस डॉक्टर को चाहिए, उनमें से कोई एक या एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट गायब है, वो है ही नहीं, क्योंकि हमारे खाने में वो इंग्रेडिएंट नहीं है, इसलिए हमारे ब्लड में वो मौजूद नहीं है। जैसे आपने मान लीजिए 10 तरह की डिशेज बनाई है किचन में, आपकी किचन में नमक नहीं है, तो वो 10 की तरह डिशेज जो है वो खाने लायक नहीं होंगी। तीसरा कारण होता है कि हमारे शरीर में हाइट वेट के हिसाब से ब्लड की एक निश्चित मात्रा होती है। अगर ब्लड उस मात्रा से कम है, ब्लड पूरा नहीं है, तो भी उस डॉक्टर को इंग्रेडिएंट पूरी मात्रा में नहीं मिल पाते हैं, जिससे वो दवा बना के बॉडी को क्योर कर पाए। चौथा कारण होता है कि हमारी बॉडी अपनी इंटेलिजेंस गंवा देती है। हमारी बॉडी के पास इनबिल्ट एक इंटेलिजेंस होती है कि इस बीमारी से कैसे लड़ना है। अगर आप इंटेलिजेंस की बात करें, तो माँ के पेट में जब बच्चा बनता है, तो उसके दो आँख होने चाहिए, नाक परफेक्टली हर चीज़ हर जगह पे हो, सभी ऑर्गन पूरे हो, तो ये चीज़ उस माँ की बॉडी की इंटेलिजेंस से ही तय होती है। तो जब हमारा शरीर अपनी इंटेलिजेंस गंवा देता है, उस माँ की बॉडी अगर अपनी इंटेलिजेंस उसकी गड़बड़ हो जाती है, आपने देखा होगा किसी के 6 उंगलियाँ हो जाती हैं हाथ में, किसी के टांग एक नहीं होता, किसी के किडनी एक नहीं बनती है, या इस तरह की डेफर्मेटी से बच्चा पैदा होता है, अपंगता से बच्चा पैदा होता है। तो जब हमारी बॉडी अपनी इंटेलिजेंस गंवा देती है, तो भी वो ठीक से अपनी बीमारी का इलाज नहीं कर सकती है। ये चारों कारण जो हैं, जब हम डीएपी डाइट स्टार्ट करते हैं, तो ये चारों कारण अपने आप दूर हो जाते हैं। पहला कारण, डीआईबी डाइट में क्या लेते हैं हम? फल और कच्ची सब्जियां, जिससे सभी इंग्रेडिएंट जो हमारी बॉडी को चाहिए वो मौजूद हो जाते हैं, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है, और वो सभी इंग्रेडिएंट मौजूद हो जाते हैं और सभी अच्छी क्वालिटी के इंग्रेडिएंट होते हैं। और अगर ब्लड की कमी है हमारे शरीर में, तो ब्लड पूरा हो जाता है। और चौथा कारण, इंटेलिजेंस जो हमारी बॉडी खो चुकी है, उस इंटेलिजेंस को भी बॉडी वापस पा लेती है, क्योंकि इंटेलिजेंस खोने का सबसे बड़ा कारण होता है बॉडी में केमिकल्स की सप्लाई।
जैसे कि हम रिफाइंड फूड खाते हैं उसमें केमिकल होते हैं, पैक्ड फूड खाते हैं उसमें केमिकल्स होते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं उसमें केमिकल्स होते हैं, दवाएं खाते हैं वो पूरी की पूरी केमिकल्स होती हैं। जब हम इन चीजों को बंद कर देते हैं और इसकी जगह एक अच्छा खाना खाना शुरू कर देते हैं, तो बॉडी धीरे धीरे अपनी खोई हुई इंटेलिजेंस को वापिस पा लेती है और खुद का इलाज करना शुरू कर देती है। लेकिन जो पांचवा कारण है, पांचवा कारण डाइट से ठीक नहीं होता है। इसीलिए आपने सुना होगा जो लोग लगातार डीआईपी डाइट पे काम करते हैं, कुछ लोग भले वो चंद लोग हों, भले वो 1% हो, 2% हो, कितनी भी उनकी संख्या हो, लेकिन कुछ लोग ऐसी शिकायत करते हैं कि मैंने 1 साल डीआईपी डाइट ली लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा, मैं लगातार 6 महीने से डीआईपी डाइट ले रहा हूं, मेरा शुगर लेवल नीचे नहीं आया, या मेरा ब्लड प्रेशर नीचे नहीं आया, या मेरा थायराइड को फर्क नहीं पड़ा, जब मेरी बीमारी ठीक नहीं हुई। तो पांचवा कारण होता है कि अगर उस व्यक्ति का माइंड अफेक्टेड है, अगर उसका मन स्वस्थ नहीं है, तो डाइट उसे ठीक नहीं कर पाएगी। क्योंकि मन मन के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि हम बहुत सारी वीडियोस मैं अपने इस चैनल पर डालूंगा। अगली वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि मन कैसे शरीर को प्रभावित करता है। अगर कोई पेशेंट लगातार ये सोच रहा है कि मैं बीमार हूं, मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, मैं बीमार हूं, मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, तो कोई भी अच्छी से अच्छी डाइट या अच्छे से अच्छा खाना या अच्छा लाइफस्टाइल भी उसे ठीक नहीं कर सकता है। अगर कोई पेशेंट लगातार चिंता में है, डिप्रेशन में है, मन अगर स्वस्थ नहीं है तो शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। क्योंकि बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जिनके कारण मानसिक होते हैं। अगर कोई व्यक्ति पेट दर्द की शिकायत कर रहा है, डॉक्टर उसके सारे टेस्ट करता है लेकिन पेट उनको कुछ नहीं मिलता है, डॉक्टर बोलता है आपको कोई बीमारी नहीं है, तो हो सकता है वो व्यक्ति चिंता रोग का शिकार हो। जैसे ही उसकी चिंता का कारण समाप्त हो जाएगा, जैसे ही वो उस चिंता से बाहर आ जाएगा, तुरंत उसका पेट दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन जब तक वो स्थिति में है, उस मानसिक स्थिति में है, तो डाइट भले वो कितनी अच्छी ले रहा है लेकिन उसे लगेगा कि ये डाइट मुझे फर्क नहीं कर रही है, मुझे आराम नहीं दे रही है, मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमें जब पेशेंट का ट्रीटमेंट करना है, मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जो मेरा लाइफस्टाइल एजुकेटर का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसमें बहुत अच्छे से मैं सिखाता हूं अपने लोगों को जो ट्रेनिंग लेते हैं, कि अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जो ये बोलता है कि मुझे डाइट से फर्क नहीं हो रहा, डाइट से आराम नहीं आ रहा, मेरी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही, तो उसे आपको मानसिक तौर पे हैंडल करना होगा, उसकी काउंसलिंग करनी होगी, उसे कुछ ऐसा लिटरेचर देना होगा पढ़ने के लिए, ताकि वो अपनी मौजूदा जो मानसिक स्थिति है उससे बाहर आ पाए। वो चिंता में हो सकता है, वो डिप्रेशन में हो सकता है, वो मानसिक तौर पर डिस्टर्ब हो सकता है, जिस वजह से, क्योंकि एक स्वस्थ मन होगा तभी शरीर स्वस्थ रह सकता है, और शरीर स्वस्थ होगा तभी मन स्वस्थ हो सकता है। ये दोनों चीजें आपस में बहुत अच्छे से जुड़ी हुई हैं। तो कोशिश करूंगा मैं, कई सारे वीडियो बनेंगे क्योंकि विषय बहुत लंबा चौड़ा है, तो हम अगली वीडियो में बहुत डिटेल में बात करेंगे कि मन शरीर को कैसे प्रभावित करता है, मन को कैसे काबू में किया जाए, और कैसे इस समस्या को, अगर कुछ लोग बोलते हैं कि डीआईपी डाइट से हम ठीक नहीं हो पा रहे हैं, बहुत कम संख्या होगी लेकिन कुछ लोग हैं, तो उन लोगों को कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि हमारे पास एक ही चीज़ है इलाज के लिए, डीआईपी डाइट। हम ये दावा करते हैं कि हर बीमारी का इलाज डीआईपी डाइट कर देती है, लेकिन इसके बावजूद भी उस पेशेंट का मानसिक तौर पर स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, तभी डीआईपी डाइट अच्छे से काम करेगी, तभी डीआईपी डाइट उस पेशेंट को स्वस्थ कर पाएगी। जिस तरह से हमें शारीरिक सेहत पे काम करना है, उसी तरह मानसिक सेहत जो है, साइकोलॉजिकल हेल्थ जो है, मेंटल हेल्थ है, उस पे भी काम करना होगा। इसलिए आप जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। मेरा निवेदन है कि अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप दूसरे लोगों से जरूर शेयर कीजिए।
और मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरा जो लाइफस्टाइल एजुकेटर का ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसका नेक्स्ट बैच जो है 18वां बैच वो 1 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। अगर आप ये जानना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों को सीखना चाहते हैं, कैसे हम डाइट से इलाज करते हैं, कैसे हम मानसिक समस्याओं को भी हैंडल कर सकते हैं, अगर ये सब सीखना चाहते हैं तो आप मेरे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। हर रोज 1 घंटे की रात को 8:30 से 9:30 बजे तक, संडे को छोड़ के, जूम ऐप पे क्लास होती है। उस ट्रेनिंग की एक छोटी सी फीस होती है। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम मनोरोगों के बारे में, मानसिक रोगों के बारे में और डिटेल में बात करेंगे। आपका शुक्रिया, मेहरबानी।